How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, M. Sadiq Ali. आज हम इस वीडियो में बहुत ही कीमती चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं जो कि टाइम बताने का तरीका बताने वाले हैं जो कि इंग्लिश से आप हिंदी में टाइम को बहुत आसानी तरीका से बता सकते हैं। अगर कोई टाइम पूछा आपके घड़ी में कितना बजा है तो आप फटाक से बताते हैं कि 10:05, 4 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है। बट आज इस वीडियो में अंग्रेजी से बताने के लिए बहुत आसान तरीका से इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आसान भाषा में टाइम बताना इंग्लिश में चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ देखे कोई भी घड़ी हो, घड़ी में 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है। तो पहले टाइम बताने का तरीका बताते हैं। तो टाइम हिंदी में पूछते हैं कि आपके घड़ी में कितना बजा है, तो इंग्लिश में हम पूछेंगे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो टाइम हम बताने के लिए आसान से सोचते हैं कि आसान तरीका से बताए, तो आज उसी को हम आसान भाषा में बताना चाह रहे हैं। तो अगर एग्जैक्ट टाइम हो यानी परफेक्ट टाइम, जिसको हम परफेक्ट टाइम बोलते हैं, अगर परफेक्ट टाइम हो तो सिर्फ और सिर्फ ओ क्लॉक लगाना है। जैसे अभी यहां देखिए इस घड़ी में 4 बजा है, तो ये देखिए पक्का टाइम है, ना 1 मिनट ज्यादा हुआ, ना 1 मिनट कम हुआ, ना 5 मिनट बाकी है, ना 10 मिनट हो चुका। तो इसमें एग्जैक्ट टाइम, इसको परफेक्ट टाइम बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ 4 ओ क्लॉक। स्पीकिंग टाइम में 4 ओ क्लॉक डायरेक्टली बोल सकते हैं, बट रिटर्न टाइम में इट इज का लगाना बहुत जरूरी है। इट इज 4 o'clock। कोई भी एग्जैक्ट टाइम हो, परफेक्ट टाइम हो, आप सिर्फ वो टाइम बताने के लिए ओ क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। अगर 3 बजा है 3 o'clock, 4 बजा है 4 o'clock, 5 बजा 5 o'clock, 12 बजा 12 o'clock, 10 बजा 10 o'clock, 3 बजा 3 o'clock, 2 बजा 2 o'clock। बस ये एग्जैक्ट टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ ओ क्लॉक का लगाना बहुत जरूरी है। और रिटर्न टाइम में हम इट इज का प्रयोग करेंगे, बट स्पीकिंग टाइम में अगर पूछ दिया जाए कि कितना बजा है 4 o'clock, बस सिंपल तरीका से 4 o'clock बोल देंगे, बस सही हो जाएगा। बट रिटर्न टाइम में आपका इट इज लगाना बहुत जरूरी है। अब अगर परफेक्ट टाइम ना हो, इनपरफेक्ट टाइम हो, अलग टाइम हो, जैसे 4:15 हुआ है, 3:02 हुआ है, 10:05 बाकी है, तो वो टाइम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए आज एकदम इजी तरीका से बताने वाले हैं, जो कि दो फॉर्मूला है, डैश पास टू डैश, डैश लेफ्ट इन डैश। अब ये डैश आगे क्या किए, तो डैश में क्या करेंगे, मिनट डालेंगे, और टू के बाद जो आएगा घंटा डालेंगे, और फिर इधर भी मिनट डालेंगे और इधर हम घंटा डालेंगे। बस आसान तरीका से। तो देखिए टाइम 2-3 तरह का होता है। अगर हम यहां पर एक घड़ी बनावे, यानी 12:15 हुआ है, तो यहां देखिए दो तरीका से घड़ी में टाइम बता सकते हैं, 12:15 हुआ है या 1:45 बाकी है। तो अगर बजकर, ये पास्ट टू मतलब होता है बजकर, मतलब पास्ट मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि बीत गया, वो टाइम खत्म हो गया, तो पास्ट का मतलब वही हुआ, और लेफ्ट मतलब हो गया कि बाकी है। तो यहां पर बस सीधा सीधी अभी 12:15 यानी 12:15 हो चुका है, 15 मिनट खत्म हो चुका है, तो यहां पर हम 15:12, बस सीधा सीधी 15:12। अभी हम बताएं कि अगर रिटर्न टेस्ट में है तो इट इज लगाना बहुत जरूरी है। अब यहां सावा को हम घड़ी के भाषा में क्वार्टर बोलते हैं, यानी घड़ी के भाषा में ऐसे हम 15 बोल देंगे तो बहुत अच्छा है, बट उससे भी ज्यादा अच्छा अगर करना हो, देसी भाषा में अगर हम 15 बोले तो चलेगा, बट अगर घड़ी के भाषा बोला जाए तो क्वार्टर पास्ट 12, क्वार्टर पास्ट 12।
यहाँ पर हम क्वार्टर इसलिए लगाएं कि सावा। अब यहाँ पर अगर 1:10 हुआ है तो देखिए 1:10 हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर हम 10:01 एकदम आसान से। अगर बोलेगा 8:15 बाकी है, 10:20 बाकी है, तो बाकी वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ है। अगर 2:15 बाकी है तो 15 लेफ्ट इन 1, यानी 15 बाकी है 1 में। अगर बोला जाए कि 20 बाकी है 2 में, तो 20 लेफ्ट। अब इस घड़ी में देखे, अब यहां पर घड़ी हम बनाते हैं, यहां पर आप बताएं, यहां छोटा काटा 6 है, बड़ा काटा 15 पर है, तो यानी कितना बजने वाला है, यानी 6 में 15 बाकी है एक तरीका। और दूसरा तरीका है कि 5:45 भी तो हो चुका है, तो अगर यानी यहां बाकी वाला लेना है तो आप लगा सकते हैं 15 या क्वार्टर बोल सकते हैं, 15 या क्वार्टर पास्ट 2:05। दूसरा आने का तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां 15 बाकी भी है, क्वार्टर लेफ्ट इन कितना 6। जब तो यहां से जितना बजने बज रहा उससे 1 ज्यादा बढ़ाएंगे, और अगर बाकी वाला है तो जो बाकी है यहां पर वहां लिख देंगे, यानी जो बीत गया वहां पर पास्ट, और जहां आने वाला है यानी बाकी है 10-15 तो वहां लेफ्ट इन का प्रयोग करेंगे। बट रिटर्न में इट इज का लगाना बहुत जरूरी है। अगर परफेक्ट टाइम है इट इज 4:00, इट इज 5:00, इट इज 7:00, और अगर यहां पर बोल दिया जाए कि 7:30 है, तो देखिए 30 भी होता है। अगर बोल दिया जाए 7:30 तो यहां देखिए 2 से हम टाइम बताएंगे। पहला है कि 7:30 है, यानी 7:30 हो चुका है, तो यहां पर 30 हो चुका है, तो 30:07 यहां बोल देंगे 30:07। अब यहां पर एक और तरीका है कि 8:30 बाकी भी तो है, तो यहां पर और दूसरा चीज लिख सकते हैं कि 30 लेफ्ट इन 8। अब यहां पर घड़ी के भाषा में 30 को हाफ पास्ट भी बोलते हैं, यानी आधा घंटा जब हो जाए तो हाफ पास्ट भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, हाफ पास्ट पास्ट 7, हाफ पास्ट 2:07 डायरेक्ट बोल सकते हैं। और यहां पर देखे लेफ्ट है तो हाफ पास्ट लेफ्ट इन 8, यानी आधा घंटा बाकी है 8:00। तो यहां पर बहुत सारा तरीका से हम बता सकते हैं, बट जो भी आसान लगे। अगर 2:15 हुआ तो यहां आसान बताने का है कि 2:15 हुआ, ना कि 3:45 बाकी, ये तो नहीं बोल सकते हैं। यहां पर सीधा सीधी आसान भाषा में बोलेंगे 15:02 बस। अब यहां पर एक और बोल देगा कि 2:45 हुआ, तो यहां पर देखे 2:45 बोलने से ज्यादा आसान है कि 3:15 बाकी है, तो यहां पर लिख सकते हैं 15 लेफ्ट इन 3, क्योंकि यहां 3:15 बाकी है। ये देखे कितना सिंपल है, आप रास्ते चल रहे हैं, कोई पूछ दिया भाई व्हाट द टाइम, तो 15:10, 15 लेफ्ट इन 11, इसी तरह से आप आसान से कोई भी टाइम बता सकते हैं। आई होप ये टाइम बताने का तरीका आपको पसंद आया हो। अगर आप इसी तरह का और भी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें।
शेयर करें, और कोई भी फीडबैक हो या आपके तरफ से कुछ सवाल हो, क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।